सबको गुड आफ्टरनून। ये प्रेस मीट आज साउथ जोन में हमने साउथ वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस में अरेस्ट किए गए 5 एक्यूज के बारे में ब्रीफ करने के लिए रखी गई। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 13 जून 2024 को लगभग 10:30 बजे एक आसिफ नगर एक्स रोड के पास एक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे जो इस केस में डिसीज्ड है मोहम्मद कुतुबुद्दीन को 5 लोगों ने अटैक किया और बुरी तरह से मार करके स्टैब करके उसका मर्डर किया। इसमें 5 अक्यूज्ड है, A1 सैयद ताहिर, A2 सैयद इमरान, A3 सैयद अमन, A4 सैयद मुजफ्फर और A5 शेख जावेद। ये 5 लोगों को आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स ने बहुत ही जल्दी पकड़ के ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा जहाँ पे ये राउडी एलिमेंट्स और इस तरीके की गलत तरीके से लोगों को मारा जाएगा और राउडिज्म किया जाएगा, तो तुरंत हैदराबाद पुलिस इसमें एक्ट करेगी और जल्द से जल्द इन एक्यूज को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। इस बारे में केस रजिस्टर हुआ था क्राइम नंबर 305 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34 IPC एंड 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट। की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और CCTV वेरिफिकेशन के बाद ये 5 एक्यूज का नाम इसमें सामने आया है और इन 5 एक्यूज को पकड़ के अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस कलेक्ट करके डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के ये केस चार्जशीट किया जाएगा और ये जरूर हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में हमें कन्विक्शन आए। रिसेंटली बहादुरपुरा के एक केस में 3 राउडीज जो राउडी शीटर है काला पत्थर के, उनको लाइफ कन्विक्शन आया है। इसी तरह इस केस में भी यही कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी सजा इन 5 अक्यूज को दी जाए। ये एक क्राइम नंबर 264 ऑफ 2023 चंद्रा वाइंस आसिफ नगर में हुआ था, जहाँ पे मर्डर केस था ये भी, जिसमें जो जिसकी मौत हुई थी उसका नाम मुजाहिद था और उस टाइम पे इसके मौत के जिम्मेदार जो एक्यूज लोग थे उसमें A2 कुतुबुद्दीन था और इसी मौत का बदला लेने के लिए, मर्डर का बदला लेने के लिए A1 टू A5 ने ये कॉन्स्पायरेसी करके 13 तारीख की रात इसको मर्डर किया। बदले का रीजन था कि उनके भाई को मारा गया है, इसलिए इसमें जो हमारे A1, A2 और A4 ताहिर इमरान और मुजफ्फर, ये तीनों आपस में भाई हैं, A3 अमान जो है इनका बाबा बोलते हैं जो वो है, और A5 जावेद इनका फ्रेंड है, इन सबने मिलके वो प्रीवियस मर्डर का बदला लेने के लिए ये कॉन्स्पायरेसी रची और इसको बुरी तरह से मारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अटैक करने के टाइम पे पुलिस वहां मौजूद होती जो जरूर इसको रोका जाता और हर तरीके से इस ये मर्डर नहीं होता। 5 उनका FSL और एल्कोहल टेस्ट किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ये वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हम अभी इस मर्डर केस की प्रेस मीट, वो जो मर्डर हुआ था नाम शराब पीने की जरूरत है, उसके बावजूद भी वहाँ पे खुलेआम शराब पी, जबकि साउथ वेस्ट पुलिस मर्डर रात में खाना खाने वालों को पकड़ के आप एक केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 पार्ट 2 का केस हुआ था, जिसमें उस आदमी को धक्का दिया गया और गिरने के बाद उसकी मौत हुई है, उसमें इंटेंशन मर्डर का नहीं था, तो इसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं। बट यस, जो आप ये वाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं उसके बाद अगर आप FIR ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे, कम से कम 7-8 केस साउथ वेस्ट जोन में आज के दिन में भी 2 केस हुए हैं जहाँ पे इस तरीके की इलीगल तरीके से बेचे जाने वाली शराब को सीज किया जा रहा है। आप हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन, ये आप हमें कहाँ पे मिलेंगे, किधर पे मिलेंगे, हम उसको पकड़ के लाएंगे, प्लीज प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन। और इसमें जो पूरे सिलसिले में जो A1 से A5 को पकड़ने में जो बहुत बढ़िया काम किया है हमारी DCP टास्क फोर्स रश्मि मैडम, उनकी टीम अलोंग विद SI शरद चंद्रा, ACP आसिफ नगर किशन कुमार एंड अंडर सुपरविजन ऑफ द टीम ऑफ आसिफ नगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जी वेंकटेश, ये 5 अक्यूज को पकड़ा गया है और इसी तरह आने वाले टाइम में भी, पहले तो हम ये वादा करते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा और होता है तो इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और इंटरटेनमेंट और दिगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, जेड नाउ टीवी यही सच है।